कैंट थाना क्षेत्र के सिंघड़िया टुकड़ा नंबर 2 में जमीनी विवाद को लेकर मनबड़ों ने गोली चला दी, जिसमें करीब 4 लोग घायल हो गए, जिनको आनन फानन में स्थानीय लोगों ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर घायलों का प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया, जहां पे इन सभी का इलाज चल रहा है। दिन दहाड़े चली गोली की सूचना पाकर हरकत में आई पुलिस ने 3 अपराधियों को हिरासत में लेते हुए असलाह भी बरामद किया। और गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया कि 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और लाइसेंसी असलाह भी बरामद कर लिया गया है। इस संदर्भ में घटना की पूरी जानकारी देते हुए एसपी सिटी ने बताया, हेलो, अरे एक और पेशेंट है ना, गाड़ी तो वाला सुरेंद्र है ना, बोले के निकलो और पकड़ो आगे पकड़ो यार, एक इसको भी हेलो आज कैंट थाना क्षेत्र के इंजीनियरिंग कॉलेज चौकी क्षेत्र में दबंगों ने एक पक्ष पे जमीन के विवाद को लेकर गोली चलाई, उसमें 3-4 लोग चटाई लोग गोली चलने की घटना, और मौके पे 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके कब्जे से 2 लाइसेंसी 12 बोर की बंदूकों को बरामद कर लिया गया। कुछ क्या मामला आज सामने आया? एक ज़मीन का विवाद था जिसपे दोनों पक्ष अपना अपना दावा कर रहा था, और एक पक्ष लेखपाल की रिपोर्ट लेके आया था कि जिस पे निर्माण कार्य कराया जा रहा है वो ज़मीन उन्हीं की है, दूसरे पक्ष ने जाके बाउंड्री वाल को ध्वस्त कर दिया, और फिर निर्माण कराने वाले पक्ष ने लाइसेंसी बंदूक से फायर किया उन लोगों के ऊपर, जिसपे कुछ लोग असलाह भी बरामद हुआ है। हाँ, 2 लाइसेंसी असलाह बरामद कर लिए गए।